नमस्कार दोस्तों, डाबर इंडिया का शेयर यहाँ पर देखने को मिल रहा है दोस्तों, डाबर इंडिया का। और दोस्तों 524 रुपये पर स्टॉक के प्राइस यहाँ पर देखने को मिल रही है, 16 रुपये का प्रॉफिट स्टॉक में देखने को मिल रहा है, 3% का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है, 3.17% का रिटर्न। और दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर वीकली की, तो अच्छा खासा मोमेंटम स्टॉक ने हाई पर बनाया है, वन डे का बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पर स्टॉक ने बनाया है, और हाई के साथ ही स्टॉक यहाँ पर देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो दोस्तों अगर बात करें तो बहुत ही अच्छे खासे मोमेंटम स्टॉक में देखने को मिली है, बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पर वन डे का देखने को मिला है डाबर इंडिया के शेयर में। और डाबर के प्रोडक्ट आपको पता ही है, बाजार में बहुत ही अच्छे खासे बिकते हैं, बिक्री इनकी होती है दोस्तों। और दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पर वीकली की सिर्फ 0.30% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है, 0.06% देखने को मिल रहा है। और दोस्तों यहाँ पर स्टॉक ने अच्छा खासा 508 से 524 रुपए का अच्छी खासी मोमेंटम स्टॉक ने हाई बार बनाई है यहाँ पर दोस्तों। जैसे यहाँ पर WF का शेप बना, यहाँ पर यहाँ से और भी ज्यादा अच्छे खासी बाइंग स्टॉक में देखने को मिली है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर यह अंदाज भी देखने को मिलता है दोस्तों। बात करें तो मंथली यहाँ पर अगर 3600 रुपए की गिरावट स्टॉक में देखने को मिल रही है, 6.51% का गिरावट यहाँ पर स्टॉक में देखने को मिल रही है। तो वन ईयर की बात करें तो वन ईयर के साथ स्टॉक यहाँ पर से सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते हुए अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकती है दोस्तों। स्टॉक का जो हाई है यहाँ पर 523 525 अगर हाई ब्रेक कर किया है तो और भी ज्यादा ऊपर जाने की संभावना बन सकती है दोस्तों। एक साल का यहाँ पर 27 रुपए की गिरावट, 5% की स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है दोस्तों। 5 ईयर के साथ स्टॉक यहाँ से 300 से 400 सपोर्ट स्टॉक में देखने को मिल रही है दोस्तों। यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं, स्टॉक ने यहाँ पर 492 पर सपोर्ट बनाया, फिर यहाँ पर अगर बात करें 2023 में तो 517 पर सपोर्ट बनाया, तो यहाँ पर इसके ऊपर ही स्टॉक ने सपोर्ट बनाया, और यहाँ पर 517 से फिर 500 स्टॉक ने 500 जो कि आप दोस्तों देख सकते हैं 517 पर फिर स्टॉक सपोर्ट बनाकर अपसाइड मोमेंटम देने की संभावना यहाँ पर स्टॉक में बन सकती है शेयर में। और यहाँ पर 5 साल का 30% रिटर्न बनता हुआ देखने को मिल रहा है, 123 रुपए की बढ़ोतरी, और ऑल टाइम के साथ बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पर स्टॉक में देखने को मिल रहा है। थोड़ी सी गिरावट के साथ अपसाइड मोमेंटम स्टॉक देखने को मिल सकती है। 502 का यहाँ पर अगर 2022 का स्टॉक लो देता है तो 502 तक आने की संभावना स्टॉक में बन सकती है। और दोस्तों यहाँ पर 2 डेज लो 509 रुपए देखने को मिल रहा है, 2 डेज हाई 525 रुपए का, 270 का लो 503 रुपए, और 270 का हाई 610 रुपए यहाँ पर देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर स्टॉक का जो लो है 503 रुपए, यहाँ पर आपको दोस्तों देख सकते हैं 508 रुपए। तो स्टॉक यहीं से अपसाइड मोमेंटम देखने को मिली है, यानी कि 52 सप्ताह का लो यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है, और अपने साइड मोमेंटम स्टॉक भी देखने को मिल सकती है दोस्तों। 5 सप्ताह का लो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं 505 रुपए, और यहाँ से अब स्टॉक की हाई लो टू हाई स्टॉक की मोमेंटम देखने को मिल सकती है, यानी कि स्टॉक की जो प्राइस है 600 तक जाने की संभावना बना सकती है दोस्तों। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाजार में निवेश करते हैं, इसमें वित्तीय जोखिम की संभावना हो सकती है, कृपया अपनी जिम्मेदारी पर बाजार में निवेश कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।